हेलो फ्रेंड, एडूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक करेंगे, पांचवा टॉपिक एनालॉजी का, जिसमें देखा जाए तो पांच इसमें क्वेश्चन है। पांच क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका ये पांचवा पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट जो है पहले वीडियो में हो चुका है। आप इसका डिस्क्रिप्शन जो है पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, एनालॉजी क्या होता है, सारे कंसेप्ट, सारे बैकग्राउंड बहुत अच्छा से विस्तार से बताया गया है। आप वहां से इसकी कंसेप्ट को ले सकते हैं। अगर सभी कंसेप्ट को प्रत्येक टाइप में बताया जाए तो बहुत टाइम लगेगा, तो इस तरह से हम बहुत इसको शॉर्टकट में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको समझेंगे। जैसे जिस तरह घड़ी का संबंध सेकेंड से होता है, उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे होगा। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि घड़ी का संबंध सेकंड से कैसे कैसे मानेंगे। घड़ी में देखा जाए तो यह आपको इसमें आवर भी बताता है, मिनट भी बताता है, सेकंड भी बताता है, लेकिन सेकंड क्या है, सबसे छोटा यूनिट है। घड़ी में जो टाइम सेव होता है उसमें सबसे छोटा यूनिट आपका सेकंड होता है। तो एक लॉजिक हम लोग को मिल गया कि घड़ी का अगर देखा जाए तो इसमें सेकेंड सबसे छोटा यूनिट है, तो फिर उसी प्रकार छोटा यूनिट आपका किससे देखना है, कैलेंडर से। तो कैलेंडर का संबंध किससे होगा, तो कैलेंडर में जो आप देखते हैं उसमें छोटा यूनिट क्या होगा, तो वह तिथि ही होगा, जो आपका आंसर ए नंबर होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में देखा जाए तो जिस प्रकार जल संबंधित है बाढ़ से, उसी प्रकार रोग किससे संबंधित है। अब जल और बाढ़ में क्या लॉजिक है, ये अगर देखा जाए तो जल जब काफी मात्रा में बढ़ जाता है तो वह क्या हो जाता है, बाढ़ कहलाता है। जल का बढ़ा हुआ रूप बाढ़ कहलाता है, तो उसी प्रकार रोग का बढ़ा हुआ रूप क्या कहलाएगा, तो यह महामारी कहलाएगा, महामारी एपिडेमिक कहलाएगा, महामारी कहलाएगा। यानी कि महामारी वो चीज होता है जब एक ही समय में बहुत विशाल मात्रा में लोग, यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग, मतलब कि रोग से, एक ही रोग से ग्रसित होते हैं एक ही समय पर, तो उसको हम लोग महामारी कहते हैं। तो इस तरह से जिस तरह से यह जल का बढ़ा हुआ रूप बाढ़ होता है, उसी तरह से रोग का बढ़ा हुआ रूप महामारी होगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखा जाए तो जिस प्रकार जेड का संबंध है हारा से, जेड का संबंध हारा से, मतलब अगर जेड का मीनिंग देखा जाए डिक्शनरी में जिसका लेटर होता है, अगर इसका स्पेलिंग देखा जाए तो जेड जी ए डी ई, जेड का मीनिंग अगर देखा जाए तो इसका संबंध बताता है ग्रीन से, यानी कि हारा से। तो उसी प्रकार गार्नेट का संबंध किससे होगा, गार्नेट को अगर आप डिक्शनरी में देखते हैं तो इसका अर्थ बताता है रेड, यानी कि लाल, रक्त जैसा, यानी कि रक्तमयी बताता है। तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि सी ऑप्शन लाल होगा। फिर चौथा क्वेश्चन, बोट का संबंध वाटर से उसी प्रकार है जिस प्रकार पैराशूट का संबंध डैश से है। मतलब यहां पर क्वेश्चन का थोड़ा सा नेचर बदल गया, लेकिन कंसेप्ट सब में वही है। बोट का संबंध वाटर से, मतलब बोट और वाटर में क्या हम लॉजिकल क्या यहां रिलेशन प्राप्त करते हैं, तो बोट कहां वाटर पर चलता है, यानी कि बोट कैसे चलता है, वाटर से चलता है, वाटर पर चलता है, यानी कि बोट का चलने का स्थान कहां होता है, वाटर। तो उसी प्रकार पैराशूट का चलने का स्थान क्या होगा, यानी कि पैराशूट किससे चलेगा, यहां पर देखा जाए बोट किससे चलता है तो वाटर से, तो उसी प्रकार पैराशूट किससे चलेगा, तो वह हो जाएगा दिया हुआ है ऑप्शन में स्काई, बैलून, एयर, वेलोसिटी, आप इसमें देख सकते हैं, यानी कि वह हो गया क्या, सी ऑप्शन, यानी कि एयर होगा। पैराशूट का संबंध एयर से ही होगा, जिस प्रकार बोट का संबंध वाटर से है तो पैराशूट का संबंध एयर से होगा। फिर उसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो जिस प्रकार बिजली का संबंध तार से है, उसी प्रकार पानी का संबंध किससे है। अब यहां ये लॉजिक है, बिजली तार से कैसे संबंधित है, तो बिजली तार से इस रूप से संबंधित है, जैसे मान लेते हैं कि बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम तार होता है, ठीक। तो उसी प्रकार पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करेगा, बोतल, जग, नदी, पाइप। अब यहां पर देखा जाए तो पानी तो बोतल से भी जा सकता है, जग से भी जा सकता है, नदी से भी जाता है, पाइप से भी जाता है, लेकिन बिजली और तार में एक और संबंध देखना है। ये तो हो गया कि पानी यानी बिजली को ट्रांसफर जब किया जाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाने का माध्यम जो होता है वो तार होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब बिजली करंट दी जाती है तो कंटिन्यू रहता है,
यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते समय वह बीच में कंटिन्यूटी टूटती नहीं है, तो उसी प्रकार अगर देखा जाए तो कंटिन्यूटी आपका बना हुआ रहना चाहिए, यानी कि पाइप हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपका डी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि नदी भी देखा जाए तो क्या है आपका एक नेचुरल एक चीज़ है ये, लेकिन पाइप क्या है आर्टिफिशियल है। जिस तरह से बिजली को तार से आर्टिफिशियल रूप से लिया जा रहा है, तो उसी तरह से पानी को भी आर्टिफिशियल रूप से यानी कि पाइप के द्वारा ही लिया जा सकता है। तो इस तरह से हम इनके सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पाँचवा पार्ट जो है इसका आज इतना ही। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।